हेलो एवरीवन दिस इज कोमल वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग एम्पायर वेर यू विल गेट एवरीथिंग इन द इजिएस्ट वे दैट यू कान इवन इमेजिन सो फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ जोग्रफी टुडे द वीडियो शो वीडियो विल शो द रामसर साइट्स इन इंडिया वाई द नेम रामसर सर वट आर साइट्स इन इंडिया रिप्रेजेंट्स द रामसर साइट्स वाई दे आर इम्पॉर्टेंट एज रामसर साइट्स ये सब मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू सो so, अगर आप ऑनलाइन आ गए हैं देख रहे हैं देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड टेल यू फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आर वीडियो एज मच एज यू कैन सो दिस इज कोमल एंड माई सोर्स विल बी फ्रॉम अमित अमितकर सो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर रामसर है क्या देखो रामसर जो है किसी चीज का नाम नहीं किसी जगह का नाम है रामसर इज अ प्लेस इन ईरान ओके रामसर ईरान के किसी प्लेस का नाम है उसको डेडिकेटेड किया गया है और तभी रामसर साइट्स नाम रखा गया है अगर कहीं भी कोई भी साइट ऐसी मिलती है जिसको ज़रूरत है ध्यान की बाय द गवर्नमेंट तो उसको रामसर साइट्स बोला गया है इंडिया ने इसको साइन किया था ऑन सेकेंड फेबररी 1971 में ठीक है इंडिया की टोटल 27 साइट्स हैं जो लिस्टेड हैं एज़ रामसर और फर्स्ट जो थी वो थी चिल्का और लास्ट जो अभी लेटेस्ट एडिट हुई है वो सुंदर बने देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर रामसर है क्या ठीक है ये किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है और विच वाज द फर्स्ट साइट ऑफ इंडिया डेडिकेटेड एज या फिर रिप्रेजेंटेड एज रामसर तो दैट चिल्का लेक और जो लेटेस्ट एडिड हुई है एज अ ट्वेंटी सेवेंथ एंट्री इन टू द रामसर साइड्स दिस इज सुंदरबन ठीक है अब हम स्लाइड बाय स्लाइड हर प्लेस के बारे में जानेंगे कि कौन से प्लेस की कौन सी साइट है जो रामसर में ऐड हुई है सो so, हमारे फर्स्ट हम आते हैं नॉर्थ से ठीक है तो नॉर्थ टू साउथ हम जाएंगे तो नॉर्थ की जो सबसे पहली साइट्स हैं जो लिस्टेड हैं रामसर में वो है जम्मू एंड कश्मीर की तो जम्मू एंड कश्मीर का मैं छोटा सा मैप लेके आई हूँ तो क्योंकि बड़े मैप में थोड़ा जम्बल हो जाता है तो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का मैं रिप्रेजेंट करूँगी अभी तो जम्मू एंड कश्मीर की चार साइड्स हैं जो कि लिस्टेड हैं एज रामसर साइड चार साइड्स कौन सी हैं वूलर लेक ठीक है फ्रेश वाटर लेक है ये सॉल्टी नहीं है ठीक है ये भी क्वेश्चन आ जाता है हॉकर सर हॉकर सर ठीक है सर मानसर एंड सोमुरेरी देखो कई बार अगर आप इसको बोलते जाएंगे ना बोलते जाएंगे तो आपको अपने आप याद आ जाएगा ठीक है तो वूलर लेक हुकर सर सर मानसर एंड सोमुरेरीरी और सोमुरेरी क्या है एक ब्रैकिश वाटर लेक है ना व्हाट इज़ ब्रैकिश वाटर लेक ब्रैकिश वाटर लेक मींस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर ना ही वो प्योरली सॉल्टी है ना ही वो प्योरली फ्रेश है मिक्सचर है थोड़ा ठीक है तो वूलर लेक हॉकर सर, मानसर एंड सोमुरी ठीक है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है ठीक है नेक्स्ट है हमारी थोड़ा साउथ में आते हैं हिमाचल प्रदेश में आते हैं ठीक है हिमाचल प्रदेश वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इफ यू हैव नॉट विजिटेड द प्लेस देन यू शुड आफ्टर लॉकडाउन ऑब्वियसली तो अब रामसर साइट्स में क्या है वो हिमाचल प्रदेश में जो रिप्रेजेंट करती हैं रामसर साइट्स वो हैं देखो ये वूलर होकरसर सूर्यनासर और सोमोरे इनको तो जे एंड के में है ठीक है इनको मत देखो अभी ओके अभी हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश की है चंद्रताल पोंग डैम एंड रेणुका का लेक ठीक है तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो चंदरताल है उसकी शेप ही मून की तरह है इसीलिए उसका नाम चंद्रताल है ठीक है तो ये चंद्रताल पोंग पोंगडैम एंड रेणुका लेक ओके इन हिमाचल प्रदेश नेक्स्ट है हमारी पंजाब में आ जाते हैं हम थोड़ा सा ठीक है नॉर्थ में ही चल रहे हैं अभी हम ओके तो पंजाब की कौन सी साइट्स हैं जो रामसर में लिस्टेड है वो है एम सॉरी फॉर द ब्लड मैप तो अभी मैं आपको फिर भी आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूँगी रामसर जो पंजाब में लिस्टेड है, वो है हमारी हरीके के डैम हरीके वेटलैंड। ओके रोपड़ एंड कंजी तीनों एक ही साथ है थोड़ा ठीक है थोड़ा सा आपको जूम भी करके दिखा देती हूँ मैं देखिए ये पंजाब का मैप है ये जम्मू एंड कश्मीर से नीचे आते हैं पंजाब की ओर और, और पंजाब में जो है कंजी हरी के और रोपड़ है ठीक है नाम याद रहेंगे आपको कंजी हरी के रोपड़ ठीक है इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं अगर आप चाहो कि मैं एब्रिविएशन बता दूं तो इट्स लाइक पंजाब में हांजी रोपड़ लाइक यू आर मतलब रिप्लाइंग टू समन हांजी रोपड़ रोपड़ ने आपको आवाज़ दिया और आप बोल रहे हैं हाँजी रोपड़ हाँ जी जी मीन्स जी रोपड़ ठीक है मीन्स हाँ फिर हरी के जी अंजी मीन्स कंजी और रोपड़ तो है ही ओके पंजाब में जी रोपड़ ठीक है अब राजस्थान में आ जाते हैं राजस्थान में दो ही हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है दो हैं वो कौन सी हैं केवला देव नेशनल पार्क एंड सांभर लेक सांभर लेक के बारे में भी एक विशेषता है वो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगी ठीक है अभी आप सिर्फ नाम पर फोकस करें केवला देव एंड लेक ठीक है नेक्स्ट है हमारी ओडिशा में आ जाते हैं हम ठीक है ओडिशा की कौन कौन सी साइट है जो लिस्टेड है ये है हमारी भीतरकनिका आप टेंशन मतलब मैं आपको एंड में रिवाइज भी करा दूंगी सब कुछ ठीक है एक साथ भीतरकनी का और चिल्का लेक और चिल्का लेक क्या थी हमारी फर्स्ट थी जो लिस्टेड हुई थी एज रामसर साइट्स ऑफ इंडिया ठीक है भितरकनी का मैंग्रोव्स और चिल्का लेक ये ओडिशा के हैं जो कि रामसर साइट्स के अंदर है ठीक है नेक्स्ट है हमारी वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में क्या है हमारा ईस्ट कैलका वेटलैंड है ईस्ट कैलका वेटलैंड दिस इज ईस्ट कैलका वेट एंड सुंदरबन देखो ये मुझे लग रहा है ये मैप थोड़ा मैंने पुराना वाला ले लिया है उस टाइम पर सुंदरबन लिस्टेड नहीं था क्योंकि सुंदरबन इज़ द लेटेस्ट ट्वेंटी सेवन तो सुंदरबन भी कुछ यहीं पर ही आपका पाया जाएगा थोड़ा सा ठीक है यहाँ पर तो दिस इज़ सुंदरबन लेटेस्ट एंट्री है यू शुड रिमेंबर ओके नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी बार केरला थोड़ा हम साउथ में आ गए अब केरला में एक तीन है वेम्बनाड कायल शाष्टम कोटा लेक आष्टमुरी ठीक है इसको मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ आपको दिख भी नहीं होगा आखिर मैं बोल कहाँ से हूँ ये देखिए दिस केरला में आ गए हम ठीक है केरला के वेम्बनार कोल कायल इसे कोल भी बोल सकते हैं साष्टम कोटा एंड आष्टामी वेटलैंड ओके आष्टामुरी वेटलैंड जो है वो थोड़ा ओक्टोपस शेप की है ठीक है आष्टा दिस इज वा, दैट्स वाई इट्स नेम इज़ लाइक आष्ट आश्ट, अष्ट ठीक है आष्टामुरी लेक वेटलैंड ओके साष्टम कोटा लेक एंड वेम्बनार कायल ठीक है इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं लाइक अश अष्टमी अषष्टमी ऐसे बोलते अषष्टवी ठीक है अष्टम अष्टम ठीक है इसी में अष्टम कोटा भी आ जाता है और फिर आ जाता है आपका विंबडार लेख ठीक है वो बोल रहे अषष्टवी अष्टमी होता है ना उसका अषिष्ट लिख लो थोड़ा सा ठीक नेक्स है नेक्स्ट है अब देखो ये लास्ट है इसमें क्या है कि जितने भी साइट्स हैं जिसके हर एक प्लेस की थोड़ी एक एक साइट्स पे जो लिस्टेड है ठीक है तो उसके लिए मैंने एक एब्रिविएशन बना दी है तो इसी एब्रीविएशन को याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सी साइट है ठीक है ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं मेरी एब्रीविएशन एक्चुअली आगमुट और आगमुट को आप ऐसे याद करना आग ए ए जी मुट मीन्स डबल एम यू टी टी ठीक है आगमुट ओके okay. अब आगमुट की अब हम फुल फॉर्म देख लेते हैं आगमुट मीन्स आसाम आसाम की है डीपोर बिल दिस इज ठीक है डीपोर बिल नेक्स्ट है हमारी आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के कोलेरु लेक कोलेरु लेक ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास गुजरात गुजरात की है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी दिस इज़ अ बर्ड सेंचुरी एक्चुअली ओके मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में है हमारी भोजताल ठीक है भोजताल ठीक है फिर है हमारी फिर है हमारा दोबारा एम आ जाता है एम फिर मणिपुर मणिपुर की है लोकताक लोकताक लेक ठीक है मणिपुर की है ये फिर हम आ जाते हैं यू पे यू यू स्टैंड फॉर उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का है यू यू अपर गंगा रीजन ठीक है और त्रिपुरा टी दो टी बज गए हैं एं एंड में एक टी है त्रिपुरा रिप्रेजेंट द रुद्र सागर रुद्र सागर ठीक है और लास्ट इज़ फॉर द तमिलनाडु और तमिलनाडु का है पोन्ट कैलेमियर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी ठीक है समझ आ गया आपको अभी मैं जब रिवाइज़ करूँगी तब और अच्छे से आपको बता दूँगी अब देखो कुछ फैक्ट है जितने भी हमने लेक्स वगैरह डिस्कस किया है उनके बारे में ठीक है देखो फर्स्ट है लोकताक लेक लोकताक लेख बहुत बार क्वेश्चन आया है लोकताक लेक इज़ द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लम को रिप्रेजेंट करती है ठीक है लोकताक रे लेक पर एक वर्ल्ड का सिर्फ एक ही है वर्ल्ड का एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जिसे हम केबुल लम नाम दिया हुआ है ठीक है बहुत बार आता है लोकताक में क्या है लोकताक में Uh, कौन सा केबुल uh, कौन सा नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग है केबुल लम जाओ या आ जाता है केबुल लम जाओ कौन सी लो लेक पर स्थित है दैट इज लोकताक लेक ठीक है अब ऐसा क्यों है कि ये फ्लोटिंग है क्योंकि इसके नीचे क्या है फोमडीज़ है अब नाउ वड इज फूमडीज ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है फोमडीज का मतलब है हेट्रोजीनियस मास ऑफ सोइल वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर जमीन के ही नीचे पानी के नीचे जो है सोइल वेजिटेशन है ठीक है और कुछ ऑर्गेनिक मैटर है ठीक है तो फ्लॉट होता रहता है वो उनपे ओके नेक्स्ट है लोकताक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है ये आपके लिए कितने क्वेश्चन बन जाते हैं सिर्फ लोकताक से ठीक है लोकताक और जो सांभर लेक है लोकताक इन मणिपुर सांभर लेक इन राजस्थान दोनों सेंट्रीबिटल लेक्स से हैं सेंट्रीबिटल लेक्स से है। सेंट्री लेक मीन्स लाइक समथिंग लाइक ज्वार भाटा वाली ऐसे 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 ठीक है सिर्फ दो ही लेक ऐसी है हैं इंडिया में जो सेंट्रीबिटल शो करती है ठीक है नेक्स्ट है हमारा लेक अब मोन्ट्रोक्स रिकॉर्ड क्या है लोग का मतलब है जैसे हम बीमार हो जाते हैं ज़्यादा ही बीमार हो जाते हैं या कोई भी मान लो पर्सन बीमार हो जाता है हम क्यों अपने आप को बीमार करें तो उसे आई तक में ले जाने की नौबत आ जाती है ठीक है तो इसको क्या है कि मोंट्रॉक्स रिकॉर्ड इज़ लाइक आई सी यू ऑफ लेक्स अगर कोई लेक को ज़्यादा ही केयर की जरूरत है तो उसे मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में डाल देते हैं ठीक है वहां पर इसका कुछ ज्यादा ही ध्यान रखा जाता है तो इस तरह से सिर्फ दो ही लेक है इंडिया की जो मॉन्ट्रक्स लेक में है मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में है लोकताक फिर से नाम आ गया लोकताक मणिपुर की और केवला देव राजस्थान इन दोनों को मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में डाला गया है क्वेश्चन ध्यान रखिए मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में कौन सी दो लेक्स हैं लोकताक एंड केवला घाना आपके पास ऑप्शन भी आ सकता है चिल्का लेक चिल्का लेक था अब उसकी स्थिति सही हो गई है तो अब वो नहीं है ठीक है चिल्का लेक एंटर हुआ था 2003 में लेकिन अब नहीं है तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि ऑप्शन दे देंगे तीन चार तो उसमें से आपको चिलका लेक का भी नाम दे देंगे तो आपको चिलका लेक को नहीं गिनना है ठीक है और अगर यूँ पूछे कि मोन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड में कौन कौन सी शामिल थी कभी थी का मतलब या है और थी तब तो आप चिलका लेक को रिप्रेजेंट करना लेकिन अगर पूछे कि प्रेजेंट में है तो लोकताक एंड क्यो लगाना ठीक है अब थो अब क्या थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम ठीक है तो फर्स्ट था जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में है हमारी चार लेक चार कौन कौन सी है वुलर लेक होकर सर सूरिंदर मानसर सोमुररी इज़ अ ब्रैकिश वाटर लेक ब्रैकिश वाटर लेक मीन्स मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर और वुलर लेक मीन्स फ्रेश वाटर लेक ठीक है और फिर थी हमारे हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की तीन ही हैं रिप्रेजेंटिंग द पिंक कलर चंदर ताल डैम और रेणुका ठीक है जैसे आप लोगों की लैंग्वेज में थोड़ा सा है ना पिंक करना किसी को मैसेज करना प्ली, प्ली, प्लीज़ पिंग मी ऑन तो आप इसको ऐसे याद कर लो लाइक चंदर प्लीज़ पिंग द रेणुका रेणुका को पिंक करो मतलब बोल रहे हो आप कि चंदर रेणुका को पिंग करो हिमाचल प्रदेश में ठीक है आपको थोड़ा सा तो अपने आप से थोड़ा सा तो बनाना पड़ेगा ही सो दैट इट वुड बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर एवरीथिंग ठीक है नेक्स्ट है हमारा पंजाब पंजाब की मैंने क्या प्रिवेशन बताई थी हाँजी रोपड़ हाँजी मीन्स हरी के जी मीन्स कंजी और रोपड़ ठीक है हांजी रोपड़ पंजाब से कहीं से आवाज़ आई आपको रोपड़ को आप सब आवाज़ आई तो आपने बोला हांजी रोपड़ ठीक है तो तीनों ही एक ही जगह है ठीक है फिर आते हैं हम राजस्थान राजस्थान remember, के दो ही हैं इजी टू रिमेंबर केवलादेव घाना नेशनल पार्क और सांबर लेक ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास ओडिशा ओडिशा की भी दो ही हैं भीतर कनिका और चिल्का लेक चिल्का लेक वज़ द फर्स्ट साइट टू बी रिप्रेजेंटेड एज द रामसर साइट ओके नेक्स्ट है हमारे पास वेस्ट बंगाल थोड़ा सा ओवर वेस्ट में जाते हैं तो ईस्ट में जाते हैं तो इंडिया के पर वैसे तो वेस्ट बंगाल नेम है इसमें है ईस्ट कैलकता एंड सुंदरबन सुंदरबन इज़ द लेटेस्ट एंट्री इनटू द रामसर साइट ठीक है नेक्स्ट है, है हमारा केरला केरला की तीन है मैंने आपको इसकी एप्रीवेशन बताई थी अष्टवी अष्टवी मीन्स अश अष्टमुरी शाष्टम कोटा और वी मीन्स वेम्पनाड कायर ठीक है अष्टमी अष्टवी लास्ट है हमारा जो हमारा सारे ही स्टेट्स कुछ स्टेट्स को जिसमें एक एक साइट इंक्लूडेड है वो रिप्रेजेंट करता है तो दैट द एव्रीवियशन शोज आगमुट आगमुट मीन्स ए इज़ फॉर आसाम दीपोरबील आंध्र प्रदेश की लेक गुजरात जी ई e. फॉर गुजरात नल सरोवर बर्ड सेंचुरी एम इज़ फॉर मध्य प्रदेश भोज वे भोज वे वेटलैंड वे फिर से एम आ गया मणिपुर लोकताक लेक यू इज़ फॉर उत्तर प्रदेश अपर गंगा रीजन टी इज़ फॉर त्रिपुरा रुद्र सागर और टी इज़ फॉर तमिलनाडु पॉइंट कैलिमियर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी अब मैंने कुछ फैक्ट्स बताए थे आपको फेक्ट्स भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं ठीक है लोकताक लेक लोकताक लेक जो है उस पर जो है वर्ल्ड्स ओनली नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लाहम जाओ और इस पे फ्लॉट क्यों होता है ये नेशनल पार्क क्योंकि इसमें फूमडीज़ है अब फूमडिज़ क्या है भाई फूमडीज इज़ द हेट्रोजीनियस पास ऑफ सोयल वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर ठीक है अब लोकताक और सांभर लेक ही ऐसी लेक्स हैं इंडिया में जो सेंट्रीपिटल लेक शो करती हैं ठीक है अब फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है इज लाइक द आईसीओ ऑफ द लेक्स इसके अंदर दो ही लेक्स हैं इंडिया के जो शामिल है जिन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है दे आर लोकताक लेक ऑफ मणिपुर एंड केवला घाना ऑफ राजस्थान ठीक है चिल्का लेक जो फर्स्ट लेक थी जो एंटर हुई थी रामसर साइट में वो पहले तो 2003 में एंटर तो हुई थी मोन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में भी लेकिन फिर उसकी कंडीशन ठीक हो गई तो अब वो आउट ऑफ मॉन्ट्रैक्स लेक है मींस आउट ऑफ डेंजर है सो so फ्रेंड्स ये था हमारा जोग्राफी का रामसर साइड्स पोर्शन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कई तरीके हैं जिनसे ये क्वेश्चन आ सकते हैं साइड्स पूछ सकते हैं क्यों पॉपुलर है ये पूछ सकते हैं इसमें क्या स्पेशलिटी है ये भी पूछ सकते हैं क्या है रामसर कुछ भी आ सकता है तो आपको मैंने कुछ एप्रीविएशन्स भी बताई हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए आप जो है चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए सो थैंक यू फॉर बींगर विद मी दिस वॉज़ कोमल एंड सी यू विद द नेक्स्ट लाइट